एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नवरात्रि आने वाली है तो आप सभी को हमारे परिवार की ओर से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि पर अपने घर में माता रानी को कैसे लाया जाता है, इसके बारे में आज मैं वीडियो बनाने वाली हूं। तो सबसे पहले अपने घर की दहलीज को आप ज़रूर लीपें। माता रानी के स्वागत के लिए दहली लीपना बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। पीछे जूतों चप्पल की दुकान लगी हुई है तो उस चीज़ को जो है ना आप इग्नोर कर देना। तो आप तो जो है ना गाय के गोबर से लीपे तो बहुत अच्छी बात है। अगर गाय का गोबर ना मिले तो मेरी तरह इस तरह से लाल मिट्टी से भी जो है ना आप अपने दरवाजे की दहलीज को लीप सकते हैं। तो मैं भी आज माता रानी को लेकर आई हूँ अपने घर में। तो सबसे पहले जो है ना मैंने दरवाजे की दहली को लीप लिया है। तो इस तरह से आपको लीपना है और इसके बाद जो है ना इस पर पूरना है आपको चौक। मैं यहाँ पर आटे से चौक पूर रही हूँ। अगर आपको रंगोली बनानी आती है तो आप रंगोली ज़रूर बनाना। मुझे रंगोली बनानी नहीं आती बनाना। आपने मेरी किसी वीडियो में रंगोली नहीं देखी होगी, सच में मुझे नहीं आती है। तो मैं जो है ना हमेशा आटे से ही चौक पूर लेती हूँ। अगर आपको रंगोली बनाना आती है तो माता रानी के स्वागत के लिए आप रंगोली ज़रूर बनाना। कहते हैं माता रानी को रंगोली बहुत पसंद आती है, तो अपने दरवाजे की दहलीज पर जो है ना रंगोली ज़रूर बनाएं। और जिस घर में आप रहते हो उसका दरवाज़ा जो है ना बहुत ज़्यादा सुंदर होना चाहिए। जैसे कि देखिए, आपने राजमहल देखे होंगे तो राजमहल तो सुंदर होता ही है, लेकिन उसका दरवाजा जो है ना और भी ज्यादा विशाल और सुंदर होता है। तो हर घर की शोभा जो है ना उसके दरवाजे से होती है। तो दरवाजे को आप जरूर सजाएं। जब माता रानी पहली बार आपके दरवाजे को देखे ना तो देखते ही जो है ना प्रसन्नचित हो जाएं। इसके बाद जो है ना दरवाजे के दोनों कोनों पर जो है ना आपको बनाना है स्वास्तिक। आप यहाँ पर हल्दी से बना सकते हैं, रोली से बना सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो उस हिसाब से बना दें। इस तरह से दरवाजे के दोनों कोनों पर जो है ना आपको स्वास्तिक बनाना है। और आपका दरवाजा किस हिसाब से है, किस तरह का है, तो अपने हिसाब से देख लें। जैसे कि मेरा दरवाजा जो है ना इस तरह का है, तो मैंने इस विधि से जो है ना यहाँ पर स्वास्तिक बना लिया। सबसे पहले अपने सीधी तरफ बनाना है, उसके बाद जो है ना अपनी उल्टी तरफ बनाना है। तो स्वास्तिक ऐसे बनाया जाता है। उसके बाद रोली चावल से जो है ना आप स्वास्तिक का पूजन कर दें। और ये देखिए हमारे दरवाजे की दहली जो है ना लग रही है ना सिंपल सादा तरीके से सुंदर और खूबसूरत। तो आपके यहाँ पर जैसी सुविधाएं, देखिए हर घर अलग तरह का होता है, हर घर में सुविधाएं अलग होती हैं। तो आपके यहाँ जैसी सुविधा हो सके, जैसा हो पाए, उस हिसाब से जो है ना आप दरवाजे की दहली को सुंदर ज़रूर बनाना। तो यहाँ पर जो है ना हमारी दरवाजे की दहली सुंदर बन चुकी है और हमारे यहाँ माता रानी भी आने वाली हैं। तो चलिए माता रानी का स्वागत आपको कैसे करना है, चलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और ये देखिए, ये आ गई हमारी माता रानी। और जब माता रानी को अपने घर लाया जाता है तो उनका चेहरा ढक दिया जाता है ताकि उन माता रानी को किसी की भी जो है ना नज़र ना लगे, इसलिए जो है ना माता रानी का चेहरा ढक दिया जाता है। जब हम बाहर से माता रानी को लेकर आते हैं तो बहुत सारे लोगों की जो है ना नज़र माता रानी पर पड़ती है और माता रानी का चेहरा ऐसा होता है कि मतलब हर किसी की नज़र जो है ना ठहर जाती है। तो वो एक होता है, चाहे भाव की नज़र समझ लीजिए, किसी की भी नज़र समझ लीजिए, लेकिन एक हाय जो है ना लग जाती है। इस वजह से जो है ना चेहरा ढककर माता रानी को अपने घर में लाया जाता है। यहाँ पर जो है ना सूक्ष्म तौर से दरवाजे पर पूजन किया जाता है। वैसे नवरात्रि के 9 दिन हम माता रानी की बहुत अच्छे से सेवा करेंगे, पूजा करेंगे, आप लोगों के शेयर भी करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या किया है, मैंने रोली चावल लगा दिए हैं, फूल हो तो फूल चढ़ा दीजिए। और इस तरह से आप आरती करके जो है ना माता रानी का आपको दरवाजे पर स्वागत करना है। तो बिल्कुल सरल सिंपल तरीके से मैंने आपको बता दिया कि माता रानी को अपने घर में आपको कैसे लेकर आना है। और हाँ, माता रानी का मोल कभी नहीं दिया जाता, एक सगुन दिया जाता है जो हम माता रानी को बनाते हैं। तो सगुन के रूप में आप 51 जितनी बड़ी देखिए मूर्ति लेकर आ रहे हैं उस हिसाब से सगुन उन्हें जरूर दे। जैसे 2100 है, 51 है, 201 है, इस तरह से जो है ना आपको सगुन देना है। आई होप लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और इस तरह से आप माता रानी का स्वागत ज़रूर करें। मेरा नन्ना मुन्ना बालक जो है ना माता रानी को लेकर आया है, हम तीनों ही गए थे माता रानी को लेकर। और जब लेकर आए हैं ना तो घर में बहुत ज़्यादा रौनक आ गई है। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे। माता रानी को लाते समय अपना सीधा पैर सबसे पहले आगे बढ़ाएं। इस तरह से माता रानी का आपको अपने घर में गृह प्रवेश कराना है। आई होप आपको हमारी बताई गई विधि बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और इस बार हम भी बहुत दिल से माता रानी को अपने घर में लेकर आए हैं। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।